नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे कि एक रोइन एनफील्ड को हम इजीली सबसे पहले हम जब स्टार्ट करते हैं तो इसका सही तरीका क्या है स्टार्ट करने का। तो दोस्तों, जैसा कि अभी देखते हैं कि इसको स्टार्ट करने का तरीका क्या है। जैसे कि स्टैंडर्ड है, इसके अंदर हम किक यूज़ करेंगे। अगर आपके पास क्लासिक भी है तो हमें अपनी पहली किक के साथ ही स्टार्ट करना है, यानी कि किक के साथ ही स्टार्ट करना है। बैटरी के साथ अगर आप करोगे तो बैटरी के ऊपर लोड ज़्यादा आता है, क्योंकि पूरी रात से वो आइडल स्टेशन में पड़ी है। तो आइडल स्टेज में क्या होता है दोस्तों कि वो चार्ज कम रहता है, तो वो उसको ऊपर ज़्यादा इफेक्ट डालती है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर अपना की डाल देना है। और हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना जो क्लच है इसको दो चार बार दबाना है। क्लच दबाने के बाद दोस्तों हमें इसका इग्निशन ऑन कर लेना है। यहाँ से इग्निशन ऑन कर लेना, सब बाइकों में कॉमन रहता है। इसको इग्निशन ऑन करके चाबी हम कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, हमें क्या करना है, अपनी ब्रेक किक है इसको और जो अपने क्लच को दबा के दो चार बार किक को ऐसे स्मूथ कर लेना है, ताकि जो एंगेजमेंट है वो पिनियन का फ्री हो जाए और जो अपना मूवमेंट है ठीक हो जाए। और उसके बाद हमें सिंपल अपने इसको स्टार्ट करने के बाद हमें 2 मिनट तक आइडियल इसको छोड़ देना है, ताकि जो इसके अंदर सर्कुलेशन है इंजन ऑयल का वो आसानी से सर्कुलेट हो जाए। एकदम एक्सीलरेट नहीं करना है, कम से कम 1-2 मिनट के लिए हमें इसको स्टार्ट देना है, ताकि इसके अंदर जो अपना लूब ऑयल है वो सब पार्टों में चला जाए और अच्छी तरह लुब्रिकेट हो जाए। ये नहीं कि हमें स्टार्ट किया और चल दिए। तो जब हम दिन का पहला स्टार्ट लेते हैं तो इसमें कम से कम 30-40 सेकंड तक हमें इसको चलाना है, उसके बाद ही हमें इसको थ्रोट करना है और इसके साथ राइड करना है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।